हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाड़ी ज्ञानन के एक और नए वीडियो में। फोर्ड मोटर्स बहुत जल्द भारतीय बाजार में एक धमाका करने वाली है, क्योंकि ये ला रही है अपनी शानदार कार फोर्ड एक्सप्लोरर को इंडियन मार्केट में। दोस्तों ये गाड़ी लॉन्च होते ही सीधा कंपटीशन करने वाली है टोयोटा फॉर्चूनर, इनोवा और फोर्ड की खुद की गाड़ी ईको स्पोर्ट के साथ। डिज़ाइन वाइज में बता दूँ, ये दोस्तों एक SUV गाड़ी है जिसकी कुल लंबाई है 4813 mm, चौड़ाई है 1831 mm और ऊंचाई है 1814 mm। गाड़ी में 7 से लेकर 8 लोगों के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती है और गाड़ी में आपको 595 लीटर का इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस और 200 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी के लुक की बात करूँ तो ये अप टू द सेगमेंट सबसे बेहतरीन गाड़ी दिखने में लगती है जो कि फोर्ड की तरफ से आती है। इस गाड़ी को फोर्ड 1991 से दुनिया भर के मार्केट में बेच रहा है और इसे कंपनी बहुत जल्द भारतीय बाजार में भी ला रही है। गाड़ी में इंजन की बात की जाए तो गाड़ी में 3 प्रकार के इंजन आता है। पहला है 2.3 लीटर का इको बूस्ट पेट्रोल इंजन जो कि 300 हॉर्स पावर तक का पावर जनरेट करता है। दूसरा है 3.3 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन जिसमें हाइब्रिड सिस्टम भी आता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी आता है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 316 BHP का और ये 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। तीसरा इसमें आता है 3 लीटर का इको बूस्ट टर्बो इंजन जो कि 400 हॉर्स पावर तक का पावर जनरेट करता है। दोस्तों इन तीनों इंजन की बात करूँ तो ये तीनों इंजन आपस में ही काफ़ी कमाल के इंजन है और इसमें एक ऐसा इंजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी देखने को मिलता है, वो है V6 इंजन। गाड़ी में 10.1 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आपको 12 स्पीकर्स आते हैं जो कि बैंग एंड ऑल्फ्सन की तरफ से आते हैं जो कि अमेरिका की प्रीमियम स्पीकर कंपनी है। गाड़ी में फ्रंट जो दो ड्राइवर सीट हैं इसमें आपको 8-way का पावर ड्राइवर एडजस्टेबल सीट देखने को मिलता है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक है। गाड़ी में 360 डिग्री का व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है, लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूम कंट्रोल, एटोनोमस पार्किंग, ऑटो हाई बीम हेडलैम्प। गाड़ी में आपको फोर्ड पास कनेक्टिविटी और एलेक्सा कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, हैंड फ्री टेलगेट, 1-fold इलेक्ट्रिक बटन, इसमें आप बस गाड़ी में एक बटन दबाइए आपकी सारी सीट खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी और पूरा बूट स्पेस आपका बन जाता है। गाड़ी में 4x4 और 2x2 दो तरीके के ड्राइविंग मोड कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मन करा कि आप 4x4 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मन करा तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही बस चलाइए। गाड़ी में हाइब्रिड सिस्टम आता है जिसके तहत गाड़ी आपकी मन करे तो इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं और मन करे पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक पे ये गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफ़ी आराम के साथ चल सकती है जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में साइड विंड स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जब कभी गाड़ी बहुत ऊंचाई पुल पर चलती है तो इसमें ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि गाड़ी को स्टेबल रखते हैं। गाड़ी में 10 स्पीड का ऑटोमेटिक और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और सेफ्टी के नज़रिए से इस गाड़ी में ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम और 8 एयर बैग्स आते हैं और ऐसे बहुत से फीचर देखने को मिल जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस गाड़ी की कीमत क्या होगी और ये कब तक भारतीय बाजार में हो सकती है लॉन्च। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत 35 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में आकी जा रही है और ये गाड़ी आने वाले 2022 के जून तक हो सकती है लॉन्च। फोर्ड की एक्सप्लोरर, आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए गाड़ी ज्ञानन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब गाड़ी ज्ञानन।